सरगुजा जिले में पारंपरिक रूप से बनने वाले सामान सहित सरगुजा के महिला समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न सामानों को विक्रय करने हेतु अंबिकापुर में सी मार्ट का आज ओपनिंग हुआ। ज्ञात हो कि मैनपाट महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के द्वारा मैनपाट में सी मार्ट का उद्घाटन किया गया था, जिसका संचालन आज से अंबिकापुर में भी शुरू किया गया है। सी मार्ट में जिले के अंतर्गत आने वाले सभी स्वयं सहायता समूह छत्तीसगढ़ हर्बल संजीवनी वन औषधि वनोपज हस्तशिल्प और हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद सहित जिले में होने वाले जितने भी उत्पाद हैं सभी को बेचने के लिए एक जगह बनाई गई है, जिसका नाम सी मार्ट रखा गया है। सी मार्ट प्रदेश के सभी जिलों में वहाँ के स्थानीय सामानों को विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया है। अंबिकापुर में खुले इस सी मार्ट में 250 किस्म की सामग्री रखी गई है, जिसमें खाद्य पदार्थ से लेकर कृषि सामग्री सहित अन्य तमाम चीजें मिलेंगी, जिसे देखने जिला कलेक्टर संजीव झा, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह और नगर निगम आयुक्त सी मार्ट पहुंचे। मार्ट में रखे सामानों का अवलोकन किया। इसी दौरान जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा भी सी मार्ट के पहले ग्राहक बनते हुए 1650 रुपए की खरीदारी की और जिला पंचायत सीईओ व नगर निगम आयुक्त ने भी मार्ट से सामान खरीदा, जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने इस बार खेले जाने वाली होली के त्यौहार को देखते हुए मार्ट में रखे हर्बल गुलाल भी खरीदे। साथ ही जिलेवासियों से हर्बल गुलाल से होली खेलने की अपील भी की है। जिले की महिलाओं के द्वारा हर्बल गुलाल बनाकर तैयार किया गया है, जो सी मार्ट में बिकने को तैयार है। मैनपाट महोत्सव के दौरान सी मार्ट का औपचारिक उद्घाटन माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा मैनपाट में किया गया था और उसकी आज उपभोक्ताओं के लिहाज से बिक्री प्रारंभ कर दी गई है। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर खुद अपने लिए जो होली त्यौहार आ रहा है उसके लिए हर्बल गुलाल और जो यहाँ बनी हुई मिठाइयाँ हैं, इसके बाद और भी जो गिफ्ट आइटम्स हैं, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, उसको हम लोगों ने आज यहाँ परचेज किया है और यहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी गई हैं। अभी लगभग 250 प्रोडक्ट लाइन में सामान हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में इसमें और भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और आप जैसा कि देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी लोग आ भी रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, तो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में ये बिल्कुल सफल होगा। और भी कहीं सी मार्ट का अभी इसका हम लोग देख लेंगे कि इसका क्या कैसा इसका प्रतिसाद मिलता है। और अभी जैसे हम लोग यहाँ पर शॉपिंग कर ही रहे थे, खरीदी कर रही थी, उसी समय हमारे नगर पालिका निगम अंबिकापुर के सम्मानित पार्षद श्री दीपक मिश्रा जी हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में भी सी मार्ट खोलने के लिए एक आवेदन दिया है कि वहाँ पर इसकी आवश्यकता है और वो प्रभावित हैं कि इस तरह का चीज़ वहाँ होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग परीक्षण करेंगे और वहाँ उसकी वायबिलिटी होगी तो ज़रूर खोलेंगे।